हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो हमारे किचन में, हमारे रसोई घर में आराम से मिल जाती है और इसके बहुत सारे उपयोग हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और सबसे अच्छा प्रयोग होता है इसका एसिडिटी में। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को गैस की समस्या है, पच की समस्या है, बदहजमी की समस्या है, मतलब की पेट से संबंधित अगर कोई समस्या है, तो ये जो चीज है ये बहुत ही लाभदायक है। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं अजवाइन के बारे में। तो अगर हम देखें कि जो अजवाइन होती है उसके बहुत सारे नाम होते हैं, जैसे इसको नॉर्मल हम बोलते हैं अजोन या फिर अजवाइन, तो ये तो सभी लोग जानते हैं। अधिकतर हमारे घरों में अगर पूरी पराठा बनता है तो उसमें अजवाइन का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अजवाइन की जो तासीर होती है या फिर अजवाइन में पाए जाने वाले जो कंपोनेंट्स होते हैं वो हमारे पेट से जुड़ी जो समस्या होती है उनके लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे रोग हैं जिसमें अजवाइन बहुत ही अधिक कारगर होता है, लेकिन इसका लेने का जो तरीका होता है वो हर जगह अलग अलग होता है। जैसे अगर पेट की समस्या है तो हम दूसरे तरीके से अजवाइन का प्रयोग करते हैं, अगर वहीं पे दूसरी समस्या है तो हम दूसरे तरीके से करते हैं, तो इसी के बारे में आज हम देखेंगे। तो मैं रंजना और स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजना राव नर्सिंग में। तो जो अजवाइन या फिर जो अजवाइन होती है उसका जो केमिकल नेम होता है इसको हम बोलते हैं ट्रैकीस्पर्मम एमी। तो यहाँ पर जो मैंने फर्स्ट लिखा हुआ है ट्रैकीस्पर्मम एमी, ये क्या है, ये अजवाइन का केमिकल नेम है, ये अजवाइन का केमिकल नेम है। तो ये उन लोगों के लिए याद रखना ज्यादा जरूरी है जो किसी भी चीज की तैयारी कर रहे हैं, जो प्रोफेशन करने वाले बच्चे हैं उनके लिए जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में ये कभी कभी पूछ लेता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। नेक्स्ट अगर हम बात करें थायमोसिड की, तो जो अजवाइन होता है इसको थायमोसिड भी बोलते हैं। क्यों थायमोसिड बोलते हैं, क्योंकि इसमें थायमोल नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है, और ये जो थायमोल होता है ये क्या करता है कि जो जब हम इसको खाते हैं तो जब ये हमारे पेट में जाता है तो पेट की जो पाचन प्रक्रिया है उसको ये बढ़ा देता है। मतलब कि जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं, जो अमाशयी रस होते हैं, उनके सिक्रेशन को ये बढ़ा देता है, जिससे जो पाचन की प्रक्रिया होती है वो बहुत जल्दी हो जाती है। जैसे कोई भी अगर हम गरिष्ठ चीज खा ले रहे हैं और उसके बाद अगर हम अजवाइन खाते हैं तो अजवाइन में इस तत्व के होने की वजह से वह खाना जल्दी पचता है, और इस वजह से हमको गैस अपच की समस्या नहीं होती है, क्योंकि गैस्ट्रिक जूस के जो सिक्रेशन होता है उनका जो प्रोडक्शन होता है उसको बढ़ा देता है, और इस वजह से खाने का पाचन अच्छे से होता है, जो पाचन प्रणाली है वो अच्छी रहती है और व्यक्ति को गैस नहीं बनती है। नेक्स्ट क्या है, विषम वीट्स, इसको विषम वीट्स भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको कैरम सीड के नाम से भी जानते हैं। तो अगर हम बात करें अजवाइन के तासीर की, तो जो इसकी तासीर होती है वो गर्म होती है। जैसे जो भी हमारे आसपास खाद्य सामग्री होती है, किसी की तासीर गर्म होती है और किसी की तासीर ठंडी होती है। तो अगर हम अजवाइन की बात करें तो अजवाइन की तासीर कैसी होती है, गर्म होती है। इसके अलावा अजवाइन में एक और तत्व पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं कार्बाक्रोल। तो ये जो कार्बाक्रोल होता है ये किस चीज के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे मैंने यहाँ पे बात की थी कि जो थायमोल होता है ये भी अजवाइन में पाया जाने वाला एक तत्व तो होता है जो पाचन प्रणाली को दुरुस्त करने का काम करता है, क्योंकि इसकी वजह से गैस्ट्रिक जूस अधिक मात्रा में सिक्रेट होते हैं। इसी तरह से जो ये कार्बाक्रोल होता है ये जो अजवाइन की सुगंध होती है उसकी जो महक होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मतलब कि अजवाइन में से जो महक आती है वो इसी की वजह से आती है, अगर ये ना हो तो अजवाइन की सुगंध हमें पता नहीं चलेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अजवाइन में क्या क्या चीजें होती हैं, तो अजवाइन में देखने को मिलता है कि उसमें होता है प्रोटीन, लेकिन इन सब की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, सोडियम होता है, राइबोफ्लोबिन होता है। राइबोफ्लोबिन क्या होता है, राइबोफ्लोबिन जो विटामिन बी होता है उसमें विटामिन बी वन जो होता है उसी को हम राइबोफ्लोबिन कहते हैं। इसके अलावा इसमें विटामिन बी टू भी होता है जिसको हम थायमिन बोलते हैं, जिसको थायमिन बोलते हैं। इसके अलावा इसमें कैरोटीन होता है, सेपोनिन होता है और टेनिन होता है, और टेनिन होता है। तो इतने सारी चीजें इसमें पाई जाती हैं। इसके अलावा इसमें फाइबर भी होता है, मतलब कि इसमें रेशा भी पाया जाता है जो अजवाइन होती है, इसीलिए कॉन्स्टिपेशन में भी हेल्प करता है। अगर किसी को कब्ज की समस्या है तो उसमें भी ये काम करता है, या फिर व्यक्ति का पेट साफ नहीं रहता तो उसमें भी अजवाइन काम करती है। तो जैसा कि अभी हमने देखा कि अजवाइन में क्या है, राइबोफ्लोबिन है, विटामिन थायमिन है, कैरोटीन है, सेपोनिन है और टेनिन है। इसकी वजह से जो अजवाइन होती है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर हो जाती है, मतलब कि अजवाइन में
एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, और जो ये एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो हमारे शरीर में जो फ्री रेडिकल्स होते हैं उनको कम करने का काम करते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स होते हैं वो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, वो हमारे शरीर में जो बीमारियां होती हैं उनको पैदा करने के लिए या फिर उन बीमारियों के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अगर शरीर में जो फ्री रेडिकल्स हैं वो कम रहेंगे तो हमारे शरीर में रोगों के होने के जो चांसेस हैं वो भी कम रहेंगे। तो अगर व्यक्ति अजवाइन का प्रयोग करता है तो इसकी वजह से उसका जो इम्यून सिस्टम है, उसका जो शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो भी क्या होती है, मजबूत रहती है, उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है, और इस वजह से जो छोटे मोटे इन्फेक्शन है उनसे भी व्यक्ति बचा रहता है, किसी भी तरह से वो नुकसान नहीं करते हैं, व्यक्ति को टच भी नहीं कर पाते हैं। लेकिन उसको डेली अजवाइन का सेवन करना पड़ेगा तब जाके ये चीजें संभव हो पाएंगी। अब ऐसा नहीं कि एक दिन दो दिन खाया उसके बाद उसकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाएगी, ऐसा नहीं है, इसको कंटिन्यू हमको अपने रोजमर्रा की लाइफ में शामिल करना पड़ेगा। तो इसको हम किस तरह ले सकते हैं इसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो अभी हमने देखा कि इसमें क्या होता है, बहुत अधिक मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर के जो फ्री रेडिकल्स होते हैं मतलब बीमारियों को पैदा करने वाले जो कारक होते हैं उनको कम करता है, और इस वजह से व्यक्ति स्वस्थ रहता है। इसके अलावा इसमें एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी पाए जाते हैं, मतलब अगर कहीं पे भी शरीर में सूजन है तो उसमें भी अजवाइन का जो काढ़ा होता है, फिर अजवाइन की जो चाय होती है या फिर सूखी जो अजवाइन होती है वो भी बहुत अधिक फायदेमंद होती है। तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट तो होते ही है, साथ ही एंटी इंफ्लामेटरी गुण भी होते हैं। इसके अलावा इसमें एंटी बैक्टीरियल गुण भी होते हैं, ये मतलब कि अगर पेट में कृमि हो गए हैं तो उस दौरान अगर हम अजवाइन का प्रयोग करते हैं तो इसकी वजह से जो पेट के कृमि होंगे वो भी मर जाएंगे, इसलिए ये एक एंटी बैक्टीरियल की तरह भी काम करती है। तो अगर हम देखें कि कहाँ कहाँ हम इसका प्रयोग और किस किस तरह से कर सकते हैं, तो पहला कि अगर किसी भी व्यक्ति को पेट संबंधी कोई भी समस्या है, जैसे कि अगर उसको पेट में गैस बनने की समस्या है, कच्ची डकार आने की समस्या है, बदहजमी की समस्या है, या फिर सीने में जलन की समस्या है, मतलब ऐसा कुछ भी उसके साथ हो रहा है जो पेट से संबंधित है, खाना अच्छे से नहीं पच रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उस दौरान अगर व्यक्ति अजवाइन का प्रयोग करता है तो इन सब में उसको आराम मिलेगा। इसके लिए उसको क्या करना है कि उसको एक गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसमें एक चम्मच अजवाइन, ज्यादा नहीं, बस एक चम्मच अजवाइन उसको लेनी है, और गुनगुने पानी के साथ उस अजवाइन को उसको लेना है, मतलब पीना है। और ये काम उसे कब करना है, उसे सुबह करना है। अगर व्यक्ति सुबह खाना खाने के बाद, मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है अगर उसके बात करें तो ज्यादा बेहतर होगा, तो सुबह के नाश्ते के बाद अगर आप एक गिलास गुनगुना पानी के साथ एक चम्मच अजवाइन लेते हैं तो उसकी वजह से जो आपके दिन भर की समस्या है उसका समाधान हो जाएगा और आपका पेट भी अच्छे से साफ रहेगा। और जब पेट साफ रहेगा तो हमारा मन भी साफ रहेगा, और जब मन साफ रहेगा, शरीर साफ रहेगा, तो हमारी त्वचा भी साफ रहेगी, हमारे चेहरे पे ग्लो रहेगा, एक चमक रहेगी। तो इसलिए अजवाइन का प्रयोग हम सबके लिए बहुत ही फायदेमंद है। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को वजन बढ़ने की समस्या है, मतलब उसका वेट दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, तो वो लोग भी अजवाइन का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, फाइबर होता है, रेशे होते हैं, और ये भी वेट को लॉस करने में, मतलब वजन को कम करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसके लिए व्यक्ति का जो प्रयोग करने का तरीका है वो दूसरा होगा। किस तरह से प्रयोग करेंगे, इसके लिए आप रात में एक गिलास पानी में अजवाइन को, एक चम्मच अजवाइन को भिगो दें और सुबह उसको उबाल लें, और जब वो पानी 5 मिनट उबल जाए तो उसके बाद उसको छन्नी से छान के आप उसको पी जाइए। आप चाहे तो ऐसे भी पी सकते हैं, और अगर आप चाहे तो छन्नी से छान के भी पी सकते हैं, लेकिन ये आपको सुबह उठकर खाली पेट पीना है, मतलब कि सुबह कुछ भी पीने से पहले, चाय पीने से पहले आपको इसको पीना है, और इसको पीने के 1 घंटे बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। अगर आप कंटिन्यू 1 महीने इसका सेवन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका जो वजन कंट्रोल करने का तरीका था उसमें ये बहुत अधिक प्रभावी होगा। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को गठिया की समस्या है, मतलब जोड़ों में दर्द की समस्या है, तो उसमें भी अजवाइन बहुत फायदा करती है, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा है कि इसमें क्या होता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। तो गठिया में क्या होता है कि जो ज्वाइंट्स होते हैं, जोड़ होते हैं, उनमें सूजन हो जाती है और इस वजह से व्यक्ति को दर्द होता है। तो अगर व्यक्ति अजवाइन का
प्रयोग करता है तो इसकी वजह से जो सूजन होती है वो कम होने लगती है, और जब सूजन कम होगी तो दर्द में भी आराम मिलेगा। इसके लिए उसका प्रयोग कैसे करना है, इसको भी आप इसका काढ़ा के रूप में प्रयोग कर सकते हैं कि आप एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन डाल के उसको गैस पे रखिए बॉयल होने के लिए, और जब वो काढ़ा आधा ग्लास हो जाए, मतलब इतना पकाइए कि वो एक गिलास पानी आधा ग्लास हो जाए, तब आप उसको छान के उसका प्रयोग कर सकते हैं। और इस काढ़े को आप कभी भी दिन में ले सकते हैं, बस इसके लेने के आधा घंटा पहले और आधा घंटा बाद तक आपको कुछ भी नहीं लेना है। तो अगर आप इसको दिन में दो बार लेते हैं तो बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पे। अगर आपको ज्यादा समस्या है तो दो बार लीजिए, कम समस्या है तो एक बार लीजिए, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप कोई दवा ले रहे हैं तो उस डॉक्टर से एक बार ये सलाह जरूर लें कि क्या मैं दवाइयों के साथ इसका प्रयोग कर सकता हूँ या फिर कर सकती हूँ, क्योंकि हो सकता है कभी कभी दवाइयों के साथ ये हार्मफुल भी हो सकती है। इसलिए अगर आप दवा कर रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह जरूर लें। इसके अलावा अगर किसी भी व्यक्ति को मुंह से संबंधित कोई समस्या है, मतलब कि जो उसका ओरल हेल्थ है वो अच्छा नहीं, जैसे अगर उसको दांत की समस्या है, मसूड़ों की समस्या है, तो अगर वो व्यक्ति भी अजवाइन की चाय का प्रयोग करते हैं तो उसकी वजह से उनको बहुत फायदा मिलता है। नेक्स्ट, अगर किसी भी महिला को या फिर किसी भी लड़की को पीरियड्स के दौरान बहुत अधिक दर्द होता है तो उस दौरान भी अजवाइन का जो काढ़ा होता है बहुत ही फायदेमंद होता है। इसको आप चाय की तरह पका के भी ले सकते हैं, जैसे एक गिलास पानी रखिए गैस पे और उसमें एक चम्मच अजवाइन डालिए, उसके बाद थोड़ा सा उसको बॉयल करिए 2 से 3 मिनट, और उसके बाद उसको छान के आप पी जाइए, या तो फिर आप एक गिलास गुनगुना पानी लीजिए और एक चम्मच अजवाइन लीजिए और सीधे डायरेक्ट मुंह में अजवाइन डाल के आप एक गिलास गुनगुना पानी पी जाइए। इससे क्या होगा कि जो आपके कमर के आसपास या फिर पेट के निचले हिस्से में दर्द की समस्या है जो बहुत ही असहनीय होता है, उसमें आपको बहुत अधिक फायदा मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है और वो ब्लीडिंग बहुत अधिक मात्रा में हो रही है, मतलब हैवी फ्लो हो रहा है, तो उस दौरान अजवाइन का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि इसकी वजह से जो ब्लीडिंग है वो बढ़ सकती है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है कि अजवाइन की जो तासीर होती है वो गर्म होती है, और इस वजह से अगर आपके पीरियड्स में जो ब्लड फ्लो है वो हैवी है, बहुत अधिक ब्लीडिंग हो रही है और आपने अजवाइन का प्रयोग किया, तो फिर ये समस्या बढ़ जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखिए, अगर नॉर्मल ब्लीडिंग हो रही है और आपको दर्द है कमर के पास या फिर पेट के निचले हिस्से में, तो आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, आपको 100% आराम मिलेगा। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि अगर हम अजवाइन प्रयोग करते हैं तो किस तरह से हम खुद को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।